हिन्दू धर्म और बाइबल में एक जल प्रलय की कहानी बताई गई है जिसमें लिखा गया कि दुनिया में एक समय वो भी आया था जब दुनिया में कुछ इंसानी आबादी और कुछ ही संख्या में पशु पक्षी जीवित बचे थे बताया जाता है उस वक्त आई जल प्रलय में सारी दुनिया डूब गई थी और किसी भी चीज का नामो निशान दुनिया में नहीं बचा था इस तरह की जल प्रलय की कहानी के बारे में भारतीय पुराणों में भी लिखा गया है पौराणिक कथाओं में जब भी जल प्रलय का जिक्र आता है तो देद बाइबल की कथा के बारे में बात होती है जिसमें बताया गया है कि नूह नाम के धर्मी पुरुष ने कैसे दुनिया के कुछ लोगों और पशु पक्षी को बचाया था जल प्रलय की कथा में बताया गया है कि कैसे एक नूह ने विशालकाय नाव को जल प्रलय आने से पहले ही तैयार कर लिया गया था जिससे दुनिया दोबारा से शुरू हो सके कथाओं में बताया गया कि नूह को ईश्वर ने सपने में आकर बताया कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन लोगों के बुरे कर्मों ने दुनिया को खराब कर दिया है इसलिए अब इस दुनिया का समाप्त होना जरूरी है मैं फिर से एक नई दुनिया का निर्माण करूंगा जिसमें तुम और तुम्हारी तरह इस दुनिया के कुछ धर्मी लोग तुम्हारी इस कार्य में मदद करेंगे तुम्हें अपने अलावा सभी तरह के पशु पक्षी को भी बचाना होगा कुछ ही दिनों के बाद एक विशाल काय जल प्रलय आने वाली है इसलिए तुम अभी से एक बहुत बड़ी नाव तैयार करना शुरू करो जिसमें सभी तरह के पशु पक्षी के जोड़े और भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को इस नाव में शरण देना क्योंकि जल प्रलय में नाव को छोड़कर सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम डरना मत इस नाव में तुम सब सुरक्षित रहोगे उसके बाद जब सुबह नूह की आंखें खुली तो उसने ये बात अपने लोगों को बताई तब कुछ लोगों ने इस बात को सुनने के बाद नूह का मजाक उड़ाया लेकिन नूह ईश्वर का सच्चा भक्त था वो जानता था कि ये जल प्रलय आएगी जैसा उसे ईश्वर ने सपने में बोला है फिर नूह ने अपनी ही तरह दूर दूर से ईश्वर में विश्वास रखने वाले और सच के मार्ग पर चलने वाले लोगों को तैयार किया और फिर एक घरनुमा विशाल का तैयार की जिसमें वो सभी धर्मी लोगों और सभी पशु पक्षी के साथ रहने लगा जैसा ईश्वर ने कहा था उसी तरह अचानक से एक दिन रात के समय तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई नूह ने बारिश के शुरू होते ही अपनी घर जैसी बनी नाव के हर हिस्से को अच्छी तरह से बंद कर दिया बारिश समय बीतने के साथ साथ और तेज होती चली गई चारों तरफ दुनिया में त्राहिमाम का माहौल बना हुआ था क्योंकि बारिश के रूप में आई जल प्रलय पूरी दुनिया को नष्ट कर रही थी कथाओं में बताया गया है उसके बाद वो बारिश नुमा जल प्रलय तब तक जारी रही जब तक उसने पूरी दुनिया का अंत नहीं कर दिया आखिर में जब कई दिनों के बाद जब धूप निकली तो उसमें सिर्फ नूह की नाव ही बची थी उसके बाद नूह ने सभी के साथ धरती पर पहले कदम रखा तो जो कि नई दुनिया में उसका पहला कदम था इसी विशाल प्रलय की कहानी के बारे में बाइबल में बताया गया है वैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पौराणिक काल में कोई विशाल जल प्रलय हुई होगी जिसकी स्मृति सारी मानव जाति के इतिहास पुराणों में है ये जल प्रलय और कैसे हुई और वह कितनी भीषण थी लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता है